नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात समानुपात का सेकंड क्लास चालू करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अनुपात समानुपात का फर्स्ट क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यानि प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं, यानी सागिर अहमद का बुक का सॉल्यूशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। इससे पहले एक केवल एक क्लास कर चुके हैं हम लोग, आज सेकंड क्लास है। इसके सेकंड क्लास में हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी नहीं, पूरा वीडियो यानी शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाते जाते कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक। यानी इस चैनल पर मैथ से लेकर रीजनिंग होगा या जीके होगा, पूरी तैयारी कराई जाती है। चलते हम लोग, आज हम लोग 11 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी सागिर अहमद का बुक, यही है बुक, सागिर अहमद का बुक देख लीजिए, इसी का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर 3, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी सी बराबर बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो ए बी सी का मान ज्ञात कर रहा था, कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना हमको, ठीक ना। चार ऑप्शन दिया गया है, अब चार ऑप्शन में से होगा कौन, ठीक। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक ना, साइड में क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप देख सकते हैं। चलते हैं, एक फर्स्ट क्लास में आप लोग को नियम पढ़ाए थे दो मेथड, यानी इस टाइप के रेशियो जब लास्ट और शुरू के कहेगा तो फ्रैक्शन में लेके चलेंगे, और पूरी संख्या को रेशियो में निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात और सी कर देंगे। अब क्या करेंगे, ए बी का अनुपात क्या दिया, 3:5, यानी एक अनुपात 3 है या बी का अनुपात 5 है, ठीक ना। तो ए के सामने लिख देंगे 3 और बी का अनुपात दे देंगे 5, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए दिया बी का अनुपात ए वाला है और सी का अनुपात ए वाला है, तो बी का अनुपात 2, तो बी के अनुपात के सामने बी लिख देंगे 2 और सी का अनुपात दिया हुआ 3। इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन, इसको लाइनिंग कर देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे, तो देखेंगे ये जो खाली स्थान होगा इसके साइड वाला संख्या से क्या कर देंगे, भर देंगे। इसके साइड वाला संख्या से क्या कर देंगे, हम इसको भर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 15:5 × 5 = 10 × 3 = 6। देखिए ए हो गया ए का अनुपात, ए हो गया बी का और ए हो गया सी का, तो दोस्तों यही मेरा आंसर देखिए तो दिया है ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 10 15, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन जो है a बराबर 1/3, a बराबर 1/3 किसका, b का, और b बराबर जो है 1/2 है c का, तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी तरह कर देंगे। अब दोस्तों इसको पहले हम ए और बी का अनुपात पहले निकाल देंगे, और बी और सी का अनुपात अलग अलग निकाल देंगे। पहले हम इसको निकालेंगे यहाँ पर, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका है, तो अगर मान लें ए अनुपात बी को निकालना है, और बी का कितना,
एक बटे तीन, अगर बी का हम देखे तो इसका जो वैल्यू होता है तो एक बटे तीन जब रहेगा तो इसका तीन हो जाता है, एक इसका हो जाता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा इसका, यानी ए बी का अनुपात क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, वन, एक हो जाएगा वन अनुपात तीन। कैसे, तो मान लेते हैं बी का, अगर मान लें बी के वैल्यू हमको दिया है तीन, तीन का एक बटा तीन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसलिए हम क्या माने हैं, कभी भी नीचे वाले को इसका वैल्यू होता है, ठीक ना, उसी तरह इसका भी निकाल देंगे। तो बी अनुपात सी का वैल्यू, तो देखिए तो दो सी का हो जाएगा, तो दो सी का हो जाएगा अनुपात है, ये कितना हो जाएगा एक का, ठीक। अब उसी तरह से हम निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी का वैल्यू क्या दिया है, एक का एक, बी का तीन, तो एक का एक अनुपात तीन, बी का वन और ये दिया है टू। अब उसी तरह क्या करेंगे, जो गैप है उसको भर देंगे साइड वाले संख्या से, साइड वाले संख्या से इसको एक में एक से गुना करेंगे, एक एक में तीन से करेंगे, तीन और तीन दूनी छः। दोस्तों यही हमारा अनुपात रेशियो निकल गया, एक अनुपात तीन अनुपात छः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्रीन पर देख लीजिए। कह रहा है कि यदि ए का 30%, बी का 25% और ए का 30%, मान लेते ये है ए का 30% बराबर है बी का 0.25%, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, बराबर सी का 1/5। तो ए बी सी का ये भी कर रहे, ए अनुपात बी अनुपात सी के वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों सेम उसी तरह है, इस थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा समझने की बात है, अगर ये लैंग्वेज समझ जाते हैं तो ये बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को चेंज कर देंगे, परसेंटेज को पहले चेंज करेंगे। देखिए तो ए का कितना दिया है, ए का परसेंटेज इतना दिया है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 30/100 करेंगे करेंगे बराबर बी का क्या करेंगे, अगर परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे 100 से भाग दे देंगे तो 25/100। और सी का क्या करेंगे, 1/5 का मतलब होता है, देखिए तो 1/5 का मतलब होता है 100 कर देते हैं, तो 30/25 100 यानी 2.2, अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 20/100। क्वेश्चन बनाए थे क्या, बताए थे कि ये हर जो होता है इसका वैल्यू हो जाता है, यानी उसको उलट देंगे, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/30 अनुपात, बी का क्या हो जाएगा, बी का 100/25 अनुपात, सी का क्या हो जाएगा 100/20। इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, 25 4 का 100 20 5 100, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10/3 अनुपात 4/5। तो ये अनुपात नहीं, तो हम दोनों का इस तीनों का में से क्या है, नीचे क्या छिपा हुआ, एक है, इसके क्या छिपा हुआ, एक। अभी तीनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3, 3 में 1 से भाग देंगे, 1 जितना बार में भाग लगता है ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। अब इसके इसे भाग देंगे 3 8 12, अब देखें इसे इसे भाग देंगे, एक अब 3 बार में जाएगा, 5 15, यही मेरा रेशियो आ गया दोस्तों, 10/12/15, यानी ए ए के हो गया, ये बी के हो गया, ये सी के हो गया, कंफर्म हो गया दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर सी डी बराबर, देखिए तो ए बी बराबर बी सी बराबर और सी डी बराबर, इस सब का अनुपात दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3,
2:3, और BC का दिया हुआ है 5:6, 5:6, और CD का वैल्यू दिया है 3:4, ठीक ना। अब कह रहा है ए बी सी डी के सब का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों, सेम उसी तरफ इसी प्रोसेस के लेके चलेंगे, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, इस तरह से सजा लेंगे दोस्तों, कम समय में बनेगा। अब ए बी का वैल्यू क्या दिया है, ए का ई हो गया, बी का ई हो गया, तो ये सामने सामने लिख देंगे, ए का 2:3 लिख देंगे, ये देखिए बी का ई हो गया और सी का ई हो गया, तो बी के वैल्यू 5:6। अब देखेंगे सी का ई हो गया, डी का ई हो गया, तो सी के कितना है 3, सी के 3 सामने लिखेंगे और डी का क्या लिखेंगे 4। अब इसको ऐसे कर देंगे, ठीक ना। अब देखेंगे जहाँ जहाँ खाली बोले हैं उसको साइड वाला से भर देंगे, ये 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 भर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको सामने सामने मल्टीपल कर देंगे सब एक दूसरे से, ठीक ना। तो 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 3 × 9 = 45, ये देखिए 3 × 9 = 54, आई देखिए 4×12 = 72। अगर यह क्वेश्चन में अगर ये चारों एक दूसरे से कटते हैं तो कटा देंगे, चारों एक दूसरे से कटते हैं तो कटा देंगे, अन्यथा नहीं नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए तो 3 से कट जाएगा क्या, 10 × 3 = 30, 15 × 3 = 45, और 3×1 = 3, 8×3 = 54, और 3×2 = 6, 4×3 = 12। देखिए तो यही दोस्तों आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 10, 15, 18, 24, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए बी बराबर ए अनुपात बी के वैल्यू दिया हुआ है 2:9, 1/3, बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2/7 = 5/14, और देखिए तो यहाँ पर लास्ट में डी सी दिया है तो आप सी डी लिखिएगा, एक सीरीज में लिखिएगा, तो यहाँ पर सी डी लिखिएगा, सी अनुपात डी के वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो उसको भी प्लट, जब इसको प्लट है तो उसको भी प्लट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 पहले लिख देंगे और 7/10 को बाद में लिख देंगे, क्योंकि ये डी का है ये सी का है, और ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम इसको चेंज कर देंगे, देखिए तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखें 3×6 = 9, ये ए क्यों हो गया, ए बी क्यों हो गया, इसको छोटा कर दीजिए, 3×6 = 9, इसको 14×28 = 7/35, इसको भी कटा दीजिए, 7×28 = 7/35, इसको भी 10×30 = 7/35, इसको छोटा कर दीजिए, 6×30 = 7/35 हो गया। अब क्या करेंगे, हम उसी तरह सजा देंगे ए बी सी और डी, ठीक ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, सामने सामने उसको क्या कर देंगे, जितना भी रेशियो है सामने लिखते चले जाएंगे, देखिए ए बी क्या दे, ए 2 3, तो 2 लिखेंगे और 3 लिख देंगे, अब सी बी सी तो बी 4 है तो बी के सामने 4, और इसी के सामने लिखना है ना कि इसके सामने लिखना है, बी के सामने 4 और 5। अब देखेंगे सी डी दिया, सी के दिया 6 और ये अनुपात दिया 7। अब देखेंगे ये खाली है, खाली किसके भर, किससे भरेंगे दोस्तों, ये 3 से, 3 यहाँ 3 यहाँ, ये 5 है यहाँ खाली है तो 5 करेंगे, यहाँ 4 6 है तो यहाँ पर 6 डालेंगे, यहाँ भी 6 है, 4 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, देखिए तो 4×8 = 48, अब देखिए तो 4×12 = 72, 6×30 = 90, 15×15 = 75, 105। अब देखेंगे ये छोटा करेंगे, अगर छोटा होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 से ही कटेगा, 48
तीन दूनी छः बचती एक बारह तीसती आई नब्बे तीतरी का नौ अपन थी पंद्रह। ठीक है तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एंड दो नंबर। सोलह नंबर क्वेश्चन को सोलह नंबर देखिएगा दोस्तों, सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी जो है, ए जो है बी से 40% अधिक है, ए और बी, ठीक ना, ए और बी जो है दो जगह है दिया है, ए जो है बी से 40% अधिक है। तो पहले बताइए तो बी से 40% अगर मान लें बी अगर 100 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 140, यानी 40% निकालिएगा 100 का तो 40 आएगा, तो 40 140 हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि बी सी का कह रहा है, बी और सी का यहाँ पे लिखेंगे बी और सी का, तो बी सी कह रहा है कि सी से 20% कम है, यानी सी से 20% जब कम होगा तो इसको हम लेके चलेंगे क्या, अगर सी अगर 100 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 80, 20% कम। अब इसको छोटा करें, 20 चौका 80 है, 20 5 100, 20 5 100 नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 और 5 2 10 और 7 2 14 देखिए तो ए अनुपात में आ गए दोनों। अब उसी तरह निकाल देंगे ए बी और सी, एक ए बी का अनुपात क्या दिया, ए 7 दिया 7:5 और बी सी क्या दिया 4:5 4:5 सामने सामने क्या करेंगे, अब इसको खाली है तो यहाँ पर 5 से भर देंगे, ये सामने वाले से भरते हैं और यहाँ खाली है तो 4 वाले से भर देंगे, ठीक ना। अब सामने 7 2 14 5 6 20 50 25। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों 16 नंबर का, ए सी का मान ज्ञात करना, ए वाला है या सी ए वाला है, तो क्या हो जाएगा 14:25 क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 14:25 हो जाएगा। एक मिनट, 27:28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28:25 यानी ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एम का 15% माने एम का माने गुना 15% एन का 20% बराबर है एन का 20%। सेम उसी तरह है, इससे पहले हम लोग बदलाए हैं तो क्या कीजिएगा इसको दोस्तों, इसको भी उसी तरह चेंज कर दे, परसेंटेज को पहले सिंबल हटाइएगा, तो क्या कीजिएगा तो हम पहले लेंगे सिंबल है, इसको सिंबल हटाइए क्या होगा एम अब गुने 15/2 परसेंटेज को सिंबल हटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे 100 कर देंगे बराबर एन गुने 20 इसको परसेंट को सिंबल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए कटा देते हैं 5 15 5 20 ऊपर से ऊपर कटाइए नीचे से नीचे कैंसिल कर दीजिए यानी एम गुने 3 बराबर एन गुने 4। तो दोस्तों इसका वैल्यू ए हो गया, इसका वैल्यू ए हो गया यानी एम बराबर 4 और एन बराबर 3। तो क्या कर रहा है तो एम एन का अनुपात कर रहा है, एम अनुपात एन का ज्ञात कर रहा है, एम का 4:3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम इसी प्रोसेस से है। 18 नंबर क्वेश्चन, ए बी बराबर 5:5:7 ए बी। अब देखिए सी डी बराबर सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 2A अनुपात 3B। तो AC अनुपात BD क्या होगा, पहले हम इसको वैल्यू सी और डी का परफेक्ट है
नंबर में निकाल लेंगे। देखिए तो इसका फिर हम निकालेंगे आगे बढ़ाएंगे, तो टू के टू लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या दिया पाँच, पाँच दूने दस अनुपात थ्री, या बी का वैल्यू क्या दिया पाँच सात, पाँच दूने दस अनुपात सत्तरी का इक्कीस आ गया, यानी सी और डी का नया वैल्यू आ गया ये वाला, ठीक ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कह रहा है कि ए सी अनुपात बी डी का क्या वैल्यू होगा, तो सेम उसी प्रोसेस से ए का वैल्यू क्या दिया है पाँच गुने और सी का वैल्यू क्या दिया है, तो सी मेरा यही है ना, सी का वैल्यू क्या है ए है, तो दस से गुना कर देंगे फिर अनुपात। अब देखेंगे बी कितना दिया है सात अनुपात इक्कीस कर देंगे, अब पचास गुना करेंगे दस पर से पचास अनुपात सत्तर सात एक सात और सात दूने चौदह, उन्नीस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उन्नीस नंबर स्क्रीन पर देख लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई एक्स अनुपात वाई के वैल्यू दिया हुआ है थ्री अनुपात टू, तो इतना के बराबर होगा, यानी तो दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर अनुपात थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे सबका मान को पुट कर देंगे, एक्स वैल्यू थ्री दिया है, वाई की वैल्यू टू दिया है, तो देखेंगे थ्री इंटू टू है, टू इंटू थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू के स्क्वायर अनुपात थ्री इंटू थ्री के स्क्वायर माइनस टू इंटू टू के स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो इंटू तीतरी का नौ प्लस तीन, तीन इंटू चार अनुपात तीतरी तीन इंटू तीतरी का नौ माइनस दो इंटू चार, नौ दूनी अठारह प्लस बारह अनुपात नौ दूनी उनतीस सत्ताईस माइनस आठ कितना हो जाएगा तीस अनुपात कितना हो जाएगा उन्नीस, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीस अनुपात उन्नीस। लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, बीस नंबर, बीस नंबर क्वेश्चन को, यदि एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई के वैल्यू दिया है, एक्स अनुपात वाई के वैल्यू दिया है सिक्स अनुपात फाइव, तो फाइव एक्स प्लस थ्री वाई अनुपात फाइव एक्स माइनस थ्री वाई, देखेंगे इसी तरह एक्स की वैल्यू सिक्स होगा वाई की वैल्यू फाइव हो गया, तो क्या करेंगे फाइव इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू फाइव अनुपात फाइव इंटू सिक्स माइनस थ्री इंटू फाइव, छः पाँच तीस प्लस पंती पंद्रह अनुपात कितना, छः पाँच तीस माइनस पंती पंद्रह तो कितना हो जाएगा पैंतालीस अनुपात पंद्रह, इसको कटा देंगे पंती पैंतालीस एक यानी तीन अनुपात एक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। दोस्तों आज का क्लास जो है हमारा यही समाप्त होता है, मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोगों को यह क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने मित्रों को भी इस चैनल को लिंक को शेयर करें जिससे उनको भी इस चैनल से फ़ायदा होगा। दोस्तों तो चलते हैं आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।